हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल को, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चंस को, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस में क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा 23% ऑफ ए इज 46। मतलब ये हुआ कि कोई ए हमें बताया नहीं गया कि ए कितना है, उसमें से कितना निकाल दिया जाए, 23% कितना होता है, 46 होता है, ठीक है ना। तो बताओ ए क्या था, मतलब क्या कह रहा है वो कि 23% किसका, ए का। ए कोई क्वांटिटी है जो हाइड रखी गई है और ए ही हमें फाइंड करना है। 23% तो 100 लगा देंगे और इनटू क्या, ए। क्लियर, ये है कितने का, कितना निकलता है 23%, 46 रुपीस, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ पिछली बार वीडियो में, बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज लगी है तो उसको हटा देंगे किससे, डिवाइड से, और जो है क्वांटिटी उसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें दे रखा है, आंसर दे दिया हमें 46, लेकिन ए नहीं बताया है हमें। तो इजीली क्या करेंगे हम, सिंपली देखो अब क्या कर देंगे, ए रहेगा 23A, इसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होगा, 4600, ये कहाँ चला जाएगा, इधर, पता है ना आपको, नीचे का ऊपर जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A इक्वल टू, अब ये कहाँ जाएगा, नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4600 डिवाइडेड बाई 23। क्लियर, अब 23 टू जा क्या होगा, 23 टू जा 46 ही होता है, तो क्या हो गया, 200। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 200 रुपीस। इजी है ना, ए हमारा क्या रहा होगा, 200 रहा होगा। मतलब हमें क्या था कि हमारे 200 रुपए में से 23 रुपए अगर हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, 200 रुपए में से, सॉरी क्या था, 200 रुपए में से 46 रुपए हम दे रहे हैं, तो परसेंटेज थी हमारी 46। अगर सेम एज, तो आपको समझ में आ गया होगा, इजीली क्या कर दोगे आप, 200 आपकी ए फाइंड हो जाएगी। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72% कितने, 72% है 25 में से। एक स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसमें स्कूल में 25 बच्चे हैं, टोटल एक क्लास में 25 बच्चे हैं, और क्या कह रहे हैं, उसमें से 72%, भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लोगों को, तो क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 25 स्टूडेंट में से 72% स्टूडेंट जो हैं वो मैथ में अच्छे हैं, और बाकी जो हैं, बाकी बचे बच्चे वो क्या है, मैथ्स में अच्छे नहीं है। तो बताओ कि टोटल जितने भी बच्चे हैं वो मैथ्स में जो बच्चे अच्छे नहीं है वो कितने बच्चे रह गए। क्लियर कह रहा है कि 72%, ठीक है, बच्चे किसके, 25 में से। तो मैंने क्या बताया, पी 72 किस में से निकालना है, 25 में से, और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 72%, तो ये क्या निकलेगा, पहले ये बताओ ये क्या निकलेंगे, मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहली चीज़, 72% गुड बच्चे हैं, मतलब अच्छे बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं। अगर मैं अच्छे निकाल लूँगा तो पहले तो क्या कर दूंगा मैं, फिर टोटल में से अच्छों को माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा बुरे बच्चे जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। क्लियर, तो अच्छे के लिए हम क्या करेंगे, 72% अच्छे बच्चे हैं ना, तो उनको निकाल लो। तो 72% के लिए परसेंटेज हट गई 100 से, ठीक है, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 बन जा 4 और 4 8 जा 32, तो कितना आ गया, 18 स्टूडेंट्स, कितने, 18 स्टूडेंट। अब खुद बताइए कहाँ पर हैं, क्या है, कोड है, क्योंकि हम अच्छे बच्चों को निकाला है, सबसे पहले हमने क्या निकाले, अच्छे बच्चे निकाल लिए हैं, जो 18 बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। तो अब टोटल खराब बच्चे कितने हो गए, 25 टोटल थे, 18 माइनस कर दो, कितना आएगा, 7 बच्चे क्या हैं हमारे, अच्छे नहीं है मैथ्स में। क्लियर है, बहुत इजी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फुटबॉल की टीम है, क्या है, फुटबॉल की टीम है, और वो 10 मैच जीती है, कितने, 10 मैच जीती है सिर्फ, और उनका जीतने का जो प्रतिशत है वो 40% है। तो वो कह रहा है कि भैया टोटल मैच कितने खेले। तो पहली चीज, हम अभी तक परसेंटेज क्या निकाल रहे थे, टोटल में से ही निकाल रहे थे, लेकिन यहां पर टोटल दे नहीं रखा है, पहली चीज हो गई ना, टोटल नहीं दे रखा है, हमें दे क्या रखा है, जीत दे रखी है कि तुम 10 मैच जीते हो और कुल 40% जीते हो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, 10 से तो आंसर ज्यादा ही रहा होगा, ठीक है ना, जो हार रही होगी हमारी वो क्या रही होगी, 10 से ज्यादा रही होगी। तो क्या कर देंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं, क्लियर, तो क्या रहेगा हमारा, देखो फुटबॉल की टीम है वो जीती है सिर्फ 10 गेम, कितने गेम जीती है, 10 गेम सिर्फ वो विन हुई है, ठीक है ना, कितने वॉन हुई है, और उनका जीतने का जो प्रतिशत है वो 40% है, ठीक है, यही तो है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली
पहले जानेंगे कि हमारे टोटल गेम कितने हुए। तो टोटल गेम हमें दे नहीं रखा है, इसीलिए क्या करेंगे, लेट लेट करेंगे, मानेंगे मान लेंगे ऑब्टेन किया हमने एक्स। तो माना हमारे जो टोटल गेम है वो कितने हैं, एक्स है। क्लियर है ना, टोटल गेम हमारे एक्स है। जीतने प्रतिशत तक क्या है हमारी 40%, तो जीत निकाल लेंगे और जीत हमारी कितनी है 10। ठीक है, तो क्या है एक्स हमारी ये है, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। देखो पहला जो क्वेश्चन किया था मैंने 40% ऑफ ए, सेम एज हमें ए पता नहीं था, अभी भी हमें टोटल पता नहीं है। क्लियर, तो क्या करेंगे अब सिंपली 40% हमारी जीत है कितने में से, एक्स में से, परसेंटेज हटाया डिवाइडेड बाई 100। अब टोटल आंसर कितना आ गया हमारा, कितने हैं 10 है। क्लियर, 10 ही तो है, तो देखो 0 से 0 चला गया। क्लियर, 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, तो 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 2 2 4 था सॉरी, तो क्या हो गया ये 2x, ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा 10 × 5 यानी 50। क्लियर है ना, ये 5 गया इधर, 5 10 × 5। अब क्या करूँ, x इक्वल टू क्या कर दूँ, इसको भी नीचे ले जाऊँ, 50 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 25। अब ये क्या है, x आ गया हमारा। तो टोटल गेम कितने रहे हमारे भैया, टोटल गेम थे हमारे 25, उसमें से सिर्फ 10 जीते, हारे कितने हमने 15 गेम हारे। अगर हारने की पूछा होता तो सिंपल हम क्या करते थे, 25 में से जीते हुए निकाल देते 10, तो कितना था 15 गेम हम हार गए। क्लियर, तो अभी आपको समझ में आ गया कि 10 गेम हमने जीते थे, जो विनिंग की हमने 10 गेम थे। अब क्या था 40% था हमारा विनिंग चांस। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने रहे होंगे, लेट हमें जानना है तो x मान लेंगे, तो x में x का ही तो 40% रहा होगा, हमें आंसर दे रखा है 10, तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ चमेली, अब चमेली का फूल मानो या किसी का नाम मानो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इफ चमेली 600 रुपीज लेफ्ट, अगर वो कोई स्टार्ट कर रही है पैसे, मतलब खर्च करने पर उसके पास शुरू में पैसे कितने हैं वो हमें नहीं बताया गया है, बस इतना कहा है कि उसके पास 600 रुपए हैं। अब 600 रुपए हैं, 600 रुपीज हैं, उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिए थे 75%। अब परसेंटेज बता दी किसकी, स्पेंड करने की। देखो यहाँ पर तो हमें इतना इजी दे रखा था, यहाँ पे थोड़ा टफ हो गया क्वेश्चन। क्या कह दिया उसने, चमेली थी उसके पास 600 रुपए बच गए, 600 रुपए बच गए ना, कितने में से उसने 75% हमें एक्सपेंड कर दिए, स्पेंड कर दिए, ठीक है, खर्चा कर दिया कितने का 75% का, 600 रुपए फिर भी बचा लिए। तो उसने क्या पूछा है, बताओ उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे, तो शुरुआत के लिए क्या करते हैं, फिर से लेट कर लेंगे, ठीक है ना। शुरुआत के लिए देखो, शुरू में मान लेते हमने एक्स रुपए थे उसके पास, कितने रुपए थे, एक्स रुपए थे, ठीक है। अब क्या थिया, उसने 75% खर्च कर दिया, किसका 75% एक्स कर दिया, एक्स का कर दिया ना, तो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, इतने परसेंट उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, ये क्या है खर्चा, इसको सॉल्व भी कर लेंगे, 25 3 = 75 और 25 4 = 100, तो कितना आ गया 3/4 × x, ये हमारा क्या है, स्पेंड जो किया, यानी क्या किया, खर्चा जो किया, ठीक है, इजीली ये हो गया हमारा खर्चा, ठीक है। अब याद रखना, इजी हो गया, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा शुरुआत थी। अगर मेरे पास 1000 रुपये थे, मैंने 400 रुपये खर्च कर दिए, बचे मेरे पास कितने, 600 रुपये बचे ना, तो सिंपल सी बात है, देखो x मेरा क्या था, शुरुआत में मेरे पास पैसे थे 1000 रुपये मान लीजिए, खर्चा मैंने इतने रुपये कर दिए, तो क्या करूँ, माइनस ही तो करना होगा, जो खर्चा किया उसको माइनस कर देता हूँ, तो क्लियर क्या हो जाएगा, x में से माइनस कर दूंगा 3x/4, ठीक है, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, हमें दे रखा है कि हमारे पास कितने रुपए बचे, 600 रुपए बचे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 600। क्लियर है, हमारे पास 1000 रुपीज थे, उसमें से जो खर्चा किया उसको माइनस कर दो, सेविंग बच जाएगी ना, इजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ 1 मान लेंगे, इसका शॉर्टकट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x माइनस का 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। क्लियर, अब क्या कर देंगे, देखो 4x में से 3x गए तो कितना बचेगा, x, तो क्या बचेगा, यहां मैं लेके जा रहा हूं, नीचे देखेगा नहीं, तो x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 600। क्लियर, अब ये क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2400। तो उसके पास कितने रुपए रहे होंगे, कितने रुपए रहे होंगे आपके, उसके पास रहे थे 2400 रुपए, ठीक है। अगर आपको बाय ऑप्शन भी करना चाहो तो 2400 रुपए को आप रखो और सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, इजी क्वेश्चन रहा, उसके पास कितने थे बिगनिंग में, 2400 रुपए थे,
कोई नर्सरी है उसमें कितने 5000 प्लांट्स हैं, ठीक है, कोई नर्सरी है उसमें 5000 पेड़ हैं, और वो कह रहा है कि बताओ भैया 5% अगर हमारे पेड़ किसके हैं, रोज के हैं, गुलाब के 5% पेड़ है, और 1% पेड़ हमारे मैंगो के हैं यानी आम के हैं। तो क्या था, कोई भी नर्सरी है उसमें 5000 पेड़ हैं, ठीक है, नर्सरी में 5000 पेड़ थे, उसमें क्या कह रहा है 5% किसके हैं, एप्पल के हैं, सॉरी रोज के हैं, और 1% हमारे किसके हैं, मैंगो के हैं। क्लियर है ना। तो अब क्या करेंगे हम, उसने पूछा है हमसे इजीली कि बताओ अदर प्लांट कितने हैं, मतलब 5000 पेड़ में से जो अदर प्लांट है ना, जो बचे हुए हैं, मतलब रोज के में बता दिए गए, मैंगो के बता दिए गए, तो जो और प्लांट हैं सभी, वो कितने प्लांट बचे हैं पेड़ के, ठीक है। क्या करूं मैं, 5% रोज निकाल लूं, वही 5% ऑफ, तो 5% डिवाइडेड बाई कितना 5000 का, क्लियर, और 1% निकाल लूं, 1/100 कितने का 5000 का, क्लियर। अब ये निकालने के बाद में पहले निकाल लेते हैं, चलिए देखो पहले निकल गए, ये आ गए हमारे रोज के पेड़ कितने आ गए, 5 5 20 पेड़ यानी 250 यानी 250 पेड़ हमारे कितने आ गए, रोज के हैं, 5000 में से 250 पेड़ तो हमारे रोज के हैं, 1% यानी कितने 50 पेड़ हमारे किसके हैं, 50 पेड़ हमारे मैंगो के, ठीक है, ये मैंगो के हैं और ये एप्पल के हैं। अब वो कह रहा है लेफ्ट जितने भी पेड़ बचे हैं इन दोनों के अलावा, वो किस अदर प्लांट कितने बचे, तो क्या कर देंगे सिर्फ वही 5000 में से माइनस कर देंगे कितना 300 प्लांट्स, 250 और 50, ठीक है, तो कितना बचेगा 4700 प्लांट्स बचेंगे, यानी 4700 पेड़ हमारे बच जाएंगे जो अदर प्लांट्स हैं, जो हमें पता नहीं है किसके हैं, क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कोई मालिका नाम की लड़की है, मालविका नाम की लड़की है, और वो 98 मार्क्स गेट करती है, मतलब उसको 98 मार्क्स मिले पूरे, और जो मार्क्स मिले उसमें वो कह रही है कि उसके 56% मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, कितने परसेंट मार्क्स बने 56 मार्क्स बने 56%, तो वो कह रहा है कि बताओ टोटल मार्क्स कितने थे, तो बता दिए टोटल मार्क्स कितने थे, तो माँ हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे लेट एक्स, टोटल मार्क्स कितने थे हमारे एक्स, ठीक है, तो अब फॉर्मूला में पता है 56x का ही तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कितना 100, परसेंटेज हटाएंगे डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है 98 इजी है, 98 में से ही तो थे, अब क्या कर दूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 56x इक्वल टू 98 इंटू कितना हो जाएगा 100, 98 इंटू 100, अब 56 को इधर पहुंचा दो, तो 56 को कहां पहुंचा दो, यहां पहुंचा दो, ठीक है, 4 1 4 4 4 16, ठीक है, अगला वाला अब इसको क्या करेंगे 4 से ही काटेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्लियर, अब कितने से कट जाएगा 14 7 98 होता है, 25 7 जा कितना होगा 2 2 5, ठीक है ना, इजी हो गया। तो इतने मार्क्स कितने हो गए हमारे उस लड़की ने गेट किए, क्लियर। अब आगे के जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, तो इसका अब लेवल हाई कर देंगे थोड़ा सा, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, थैंक यू एंड थैंक्स अगेन।